हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मु मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जींकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहेतुकी कृपा भिक्षा करुचि। आम मैंने धारावाहिक भाव श्रवण करुचे भक्तिर प्रसंग। ए भक्ति सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण प्रति भक्ति हृदय जाग्रत बा एते सहज नुहे। एथिरे भगवान कृपारे भी एते शीघ्र भक्ति जाग्रत हुए नहीं जेते शीघ्र भगवानकर भक्तंकर कृपारु हुए। एथिपाई भक्तंकर कृपा लाभ हेले ही हृदय भक्ति जाग्रत हब। सेथिपाई भक्तमानकर जीवन चरित्र में श्रवण करुछे। श्रीमद् भागवत महापुराण रे जो भक्तमानकर चरित्र दिया जाइछि सेतु संग्रह करी आमे अन्यन्य भक्तमानकर अनेक भक्तंकर जीवन चरित्र संबंधे तांकर भक्तिर महिमा संबंधे आम मैंने श्रवण करुचे। आमे पूर्व प्रवचन श्रवण करुथले जे पांडव मानकर भक्तिर कथा। आज आम अवशिष्टांश श्रवण करिबा। ए पांडव मानकर जो भक्ति ये बहुत उन्नत थिला। जगन्नाथ श्रीक्षेत्र धाम रे से माने पंच महादेव रूप रे विद्यमान अछंती। अर्थात ए पांडव माने कही नथिले बरं शिवंकर प्रकाश थिले महादेवंकर प्रकाश थिले एवं भगवान कृष्णंकर अत्यंत प्रिय थिले। युधिष्ठिर महाराज जे कि ज्येष्ठ पांडव पुत्र थिले
युधिष्ठिर महाराज को सारा पृथ्वी स्वर्ग र जस प्रदान कले तांकर जस को एते श्रेष्ठ कर देले ते समस्त देवतांकटु भी श्रेष्ठ कर देले समग्र पृथ्वी रे तांकर जस को स्थापना कले सर्वश्रेष्ठ जसस्वी करी देले राजस्वी यज्ञ कले तांक पई एते उत्कृष्ट प्रतिष्ठा एते उन्नत प्रतिष्ठा युधिष्ठिर महाराज को भगवान काहिं देले ता कारण हो से माने अत्यंत प्रिय थिले आ भगवान कर से माने प्रिय जो मान तांकर भक्त से भक्ति रे कृष्ण को एते प्रीति रे बांधी दिछंती राजस्व यज्ञ रे भगवान कृष्ण निजे अग्र पूजा पाई थिले समस्त मुनि ऋषि माने तांको पूजा करथिले युधिष्ठिर महाराज कर राजस्व यज्ञ रे तथापि भी भगवान कृष्ण कौन करथिले राजस्व यज्ञ रे साधारण परिवारंकर सदस्य रूप रे अतिथि मानंकर सेवा करथिले अतिथि मानंको पाद धोई देवा तांको प्रसाद परिवेषण करिबा तांकर व्यवस्था करिबा आदि सब प्रकार मिनियल सर्विस जो कि साधारण सेवा परिवार सदस्य माने निजर परिवार निजर घर रे जिमिति जने साधारण व्यक्ति अतिथि मानकर सत्कार करे से भली पांडव मानकर द्वारे पांडव मानकर एई उत्सव रे राजस्व यज्ञ उत्सव रे भगवान कृष्ण एई भली भाव रे एक साधारण सेवक भाव रे कार्य करथिले भगवान जहा करंती सेतिर तांकर महिमा ही विकास हुए भगवान कर जो पोजिशन तांकर स्थिति लो हो जाए निम्न हो जाए ना कारण भगवान जेहेतु महान से भगवान तांकर समस्त कार्य ही अलौकिक तांकर समस्त लीला दिव्य से जहाँ भी करती किंतु तांकर समस्त लीला पछरे भक्तंकर महिमा को सबुठ अधिक उन्नत स्थान दियंती भगवान जे भक्तर महिमा प्रतिष्ठित हो ता कारण भक्त ही तांकर जीवन भक्त ही तांकर प्राण भक्त बिना भगवान निजर प्रतिष्ठा निजर पूजा को केवल स्वीकार करती ना से पांडव मानकर यही सेवा करछंती कारण से परम भक्त थिले ए राजस्व यज्ञ रे युधिष्ठिर महाराज को एते उत्कृष्ट प्रतिष्ठा देले ए राजस्व यज्ञ पूर्वर गोटे लीला होता जे बहुत राजा मान को समस्त राजा को परास्त करी अर्थात समस्त राजा मान ताकु स्वीकार करिवे युधिष्ठिर महाराज तेबे से सम्राट हेबे एक छत्र सम्राट किंतु जरासंध जने एभली एक असुर थिला जे कि घोर धर्म विरोधी थिला एवं से थिला अधर्मर प्रतीक ए जरासंध को बध करिवा एते सहज नथिला कारण से थिला जणे नुहे दुई जण असुर जरा एवं संध संध ए दुई जण मिसी से जरासंध होता बहुत बड़ पावरफुल एवं सी शहे राजा को रखी नर बलि देवाई रुद्रं पाखे बलि चढ़ावाई तेणु भगवान ए राजा मान को मुक्त करिवे जरासंध कबल को कबल अधर्म कबल रक्षा करिवे संसार को से कहक भगवान प्रयोग कले भगवान भीमसेन को शक्ति संचार कले भीम द्वारा ही जरासंध बध कराए भगवान निजे करी पारिथांते जो निजे नकरी से जो प्रतिष्ठा से जो मर्यादा सम्मानटा तांकर प्रिय भक्त भीम को देले भगवान निजे जहाँ करी पारिथांते ताहा तांकर प्रिय भक्त द्वारा करेले ताकि भक्त को लोक श्रेष्ठ बोली भावंतु अर्जुन को निजर पूर्ण से सखा थिले आ द्रौपदी तांकर सखी अभी राजस्व यज्ञ रे द्रौपदीकर स्वयं केश अभिषेक स्वयं निज हाथ रे करथिले तांकर सखी थिले ते प्रिय थिले सी भगवान निजे द्रौपदी भी साधारण नथिले तथापि से द्रौपदी तांकर एते प्रिय थिले एते प्रिय सखी तांकर केशर अभिषेक स्वयं कृष्ण निजे करथिले निज हाथ रे एक लीला पांडव मान जो समय बनवास थिले दुर्योधन कपट कपटता पाई
ता कपट योजना पाई से पशा खेल से हारीगले वनवास को स्वीकार कले। वनवास समय अनेक लीला जो समय से वनवास थे अनेक स्थान भ्रमण कर एक कहा जाए जे पांडव माने जो स्थान को जाई नहांती भारत वर्षरे से स्थान एत पवित्र नुहे से कहा जाए जे पांडव वर्जित राज्य से धर्म स्थान नुहे से पांडव माने जहाँ जो जो जगार तांकर पाद पकेचंती से सब स्थान तीर्थ हो जाए महान तीर्थ कारण पांडव माने धर्मर मूर्ति थिले साक्षात। थरे वनवास समय रे से माने काम्य वन रे से माने बास करुथांती पड़ा थाए काम्य वन रे ए समय तांक पर एक भीषण संकट आसिला। दुर्वासा ऋषि महान क्रोधी महान क्रोधी दुर्वासा तांकर 60,000 शिष्य सहित हस्तिनापुर आसिले। हस्तिनापुर आसिले दुर्योधन अधर्मी सी को ऋषि महर्षि सेवा करे ना किंतु शकुनी कपटता योजन सी बुझीपारा एवं दुर्वासा ऋषि को चेष्टा कला सब प्रकार सेवा द्वारा अप्यायित कर प्रसन्न कर भोजन करा सब प्रकार सेवा कला प्रसन्न करदेला दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि आश्चर्य हेले कि दुर्योधन जी कि अधर्म जी कि साधु संतो अनादर करे से आज एत सेवा कहीं करुचे। दुर्वासा ऋषि ऋषि मान सरल हृदय बुझीपारे ना दुर्योधन जो उद्देश्य बड़ खराब थिला पांडव मान विरुद्ध किसी योजना करुला जे समय दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होगले जीवा समय पचारे दुर्योधन मुझे बर देवा चाहे मु तोर सेवार अत्यंत प्रसन्न कितु दुर्योधन कहला कि ऋषिवर आपण एति कृपा करंतु आज मो भाई मान थिले पांडव माने मोर भाई निजो भाई आउ सेमान जे थांते से आपणकर सेवार सुजोग पाई थांते एवं आपण को सेवा करी धन्य होई थांते। यदि आपण एति कृपा करंती पांडव मान पाकु जाई शिष्य मान को सहित आपणकर 60,000 शिष्य को सहित यदि पांडव मान पाखर जाई आपण थरे सेवा ग्रहण करंते ताले मु निजो को धन्य मन करती ये मोर बर मु आ किछि चाहुनी आपण गुठु कितु आपण द्विपर समर जाई हाँ तांगुठ सेवा ग्रहण करिवे। दुर्वासा ऋषि कहले ठीक अछि एथिरे तोर प्रसन्न ताले मु अवश्य ही पांडव मान जाई तांकर सेवा ग्रहण करिवि। पांडव मान रहथांति काम्य बन रे वनवास समय रे तांक पई गोटे दिन भोजन भी जोगाड़ करिया बड़ कष्ट किछि नाही ना पात्र अच्छे ना रोषेर व्यवस्था अच्छी ना किछि नाही तो पांडव मान रक्षक किंतु भगवान स्वयं किंतु द्रौपदी पाखरे एभले एक अद्भुत पात्र थिला जो कि सूर्यदेवंकर वरदान थिला से पात्र रे रोषेई कले जेते भी से परिवेषण करा जीव से केवल पात्र समाप्त हो ना जहाँ भी रोषे कर दिजिव से पात्र हाँ जिते भी भोजन करवेषण कर खाली हम ना किंतु जिते बड़े द्रौपदी स्वयं भोजन करदे से पात्र को धोईदे तापर से दिन आउ से पात्र कि बाहर ना कि दुर्योधन को जना था द्विपहर समय समस्ते पांडव माने भोजन कर सारी द्रौपदी भी भोजन कर सारी एवं पात्र सफा करी उगुड़ाई रखाई से समय दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्य को नहीं पहुँची गले पांडव मान पाखरे बण से पहुँची गले काम्य बन एवं महाराज युधिष्ठिर को कहले दुर्वासा ऋषि हे युधिष्ठिर आम मानी शिष्य मानी भोजन व्यवस्था कर आम बर्तमान जाऊ विमल कुंड पाखर अच्छी से मध्यान्न आम तर्पण करी हाँ मध्यान्न आमर क्रिया को समापन करी आम आसबू एवं आम भोजन प्रस्तुत रख। सम्राट युधिष्ठिर धर्मराज से केवल ना करेंगे यथा आज्ञा जेपरी आप आदेश आम चेष्टा करूँ आप सेवा करने दुर्वासा ऋषि शिष्य मान सहित चलीगले निजर मध्यान्न आह्निक क्रिया करने
मध्याह्न स्नान करिबे आह्निक करिबे एवं आसिबे तांपाई भोजन रेडी रहिबा दरकार। सम्राट युधिष्ठिर जाई द्रौपदी को कहिले जे द्रौपदी तमे ए शिष्य मानपाई सहित दुर्वासा ऋषि भोजन व्यवस्था कर। द्रौपदी कहले आज तो असंभव, आज तुम भोजन कर सारी एवं पात्र सफाई रखाई आम तुमको केमी भोजन दे पार आम पाकर तो किछि नाही। तो द्रौपदी बड़ असहाय मन कले किंतु तांकर सखा भगवान कृष्ण तांकर प्रभु तांकर प्राण सखा कृष्ण को स्मरण कले एवं प्रार्थना कले हे गोविंद आम को यही परिस्थिति रे आमर रक्षा कर। हे कृष्ण प्रार्थना कले कृष्ण द्रौपदी डाकरा पाई सांगे सांगे तत्क्षण द्वारका चली आसिले। श्री द्वारकानाथ तुरंत चली आसिले कले द्रौपदी द्रौपदी मते खूब क्षुधा लगुच्छे भोक लगुच। द्रौपदी कहले वर्तमान आम मैंने संकट अच्छु दुर्वासा ऋषि एवं तांकर 60,000 शिष्यंकर भोजन व्यवस्था आम कर बड़ संकट रे जदि न करि पारु तांकर अभिशाप रे आम मान सब किछि ध्वंस हो जीव से आप रक्षा करंतु। द्रौपदी कहले मु किछि कृष्ण कहले मु किछि सुनिबाय पारिबे नाही किछि करि पारिबे नाही जेपंत मते ही भूख लागुछ तेणु मु मो पाई प्रथमे व्यवस्था कर। एवं दुर्वासा ऋषि एथिरे असंतुष्ट ही क्रोधित ही अभिशाप दे देबे एवं से अभिशाप रे पांडव माने भस्म हो जिवे एबली कपट करी से दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को अनुरोध करी पठे देला। एवं दुर्वासा ऋषि आसी उपस्थित हो गले पांडव मान पाखरे काम्य वन रे पांडव मान पाखरे किछि न थाए कि द्रौपदी पाखरे जो वरदान थिला जो अद्भुत पात्र थिला से पात्र भी जेपर्यंत द्रौपदी स्वयं भोजन करिनाहंती सेपर्यंत से पात्र सप्लाय करिपारिबो सेतुर जेते परिवेषण कले भी समाप्त होबनी असरंती खाद्य पदार्थ से भोजन पदार्थ से दे पारिबो। किंतु से दिन द्रौपदी भोजन कर सारिथिले पात्रटी सफा कर रखि दिया समय दुर्वासा ऋषि आसी पहुँचिले एवं महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा देले जे आम पाई भोजन व्यवस्था कर आम स्नान तर्पण करी आसुचु। एवं युधिष्ठिर महाराज स्वीकार कले एवं दुर्वासा ऋषि चलीगले मध्याह्न आह्निकृत्य करने विमल कुंड को। एवं से समय द्रौपदी समस्या केमिति एते हजार ऋषि भोजन व्यवस्था करिवे निज को अत्यंत असहाय मन करी भगवान कृष्ण को स्मरण कले जी तांकर प्राण सखा सब समय रे संकट तांकु रक्षा करिसंती। कृष्ण को स्मरण कला क्षणी कृष्ण द्वारकारु तत्क्षणत आसी सेठी उपस्थित हो गले बोले द्रौपदी द्रौपदी मते बहुत भोक लगुचे मते किछ खाइबा को दियो। द्रौपदी कहले जे आमे एबली संकट रे अछु आम पाकर किछ नाही सेतिपई आपन को आम प्रार्थना कलु आम आप कौन भोजन दे पारिबु आपण जहाँ इच्छा आप निजे भोजन कर संतुष्ट हो जा। द्रौपदी जो द्रौपदी एभली कहले कृष्ण कहले ना ना मोपाई निश्चित भाव कि पात्रटी आण जैसे रोसई पात्रटी अणगला कृष्ण से पात्र भितर एक साग पत्र लगी सफा से जा ना कृष्ण हाँ ताकु काढ़ी नहीं गले एवं से पत्रटी शागटी को खाई शाग पत्र को एवं पानी पीदे संतुष्ट हो गले ढकार आसीगला भगवान को हाँ जी कि भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति भक्ति रे जी भगवान को गोटे पत्रटी देदेव जलटी देदेव से संतुष्ट हो जाए ताकि बहुत किसी आवश्यकता ना भक्ति रे देले गोटे पत्र भी सफिसीयंट पर्याप्त भगवान को प्रसन्न करने कारण भगवान हेले भक्तिर हाँ भक्तिर ठाकुर सी भक्ति बस माधव भक्ति बस श्री कृष्ण। किंतु यही समय अद्भुत चमत्कार है से भगवान कर पेट भरी गला पेट भला पर ढकार आसला से समय ऋषि माने मध्याह्न आह्नी करी भगवान को ध्यान करचंती पर ब्रह्म को ध्यान करचंती ब्रह्म को ध्यान करचंती से मानकर पेट सब भरी गला पेट फुल ही भारी हो गला। शिष्य मान कहले गुरुदेव आमर तो पेट पूरा
ଭରିଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଭୋକ ନାହିଁ। ତୁ ଭରା ପେଟରେ ଆମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କେମିତି ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଭୋଜନ କରିବା। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଲେ, ମୋର ବି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ପେଟ ପୁରା ଭରିଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଭୋକ ନାହିଁ, ପୁରା ପେଟ ଢକାର ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଅସମର୍ଥ ସବୁ, ଚାଲିଯିବା ଏଠୁ, ଲୁଚିକି ପଳେଇବା। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଲେ ଭୀମଙ୍କୁ, ତ ଯାଅ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଭୀମସେନ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ବିମଲକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦୁର୍ବାସ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ, ଭୀମସେନକୁ ଦେଖିକି ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯେ ଭୀମ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରେଇବ, ଡରିକି ସେଠୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ପଳାୟନ କଲେ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କୁପିତ ହେଲେ, ନା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଏଭଳି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୀତି, ବିଶେଷ କୃପା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇ, କାରଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଏ, ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲା, ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଏତେ ଅନିଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଦୋଷଟା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅପମାନ ହେବ ମୋର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅପମାନ ନ ହଉ, ଅସମ୍ମାନ ନ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦୋଷାରୋପ ନ କରୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଏକାନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆମ ପରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ବିତିଛି, ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହିଁ ଯାଉଛ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନା ନା ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ କନଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କର, ସେ ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରୀତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ବସିବୁତ ଥିଲେ, ଏ କଥା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏତେ ଜ୍ଞାନ କରି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। Thank you.